दस्टिन हॉफमन ने एक फिल्म में काम किया था टुट्सी, उसका एडॉप्टेशन था जो पाकिस्तान में मैंने किया, वो कर दिया। अगर मेकअप की फैसिलिटीज होती तो शायद और उससे कहीं ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जितना लोगों ने उस रोल में मुझे सराहा, मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया और तमाम लोगों की मोहब्बतों का हमेशा जवाब दिया है कि बहुत शुक्रिया आपने पसंद किया। लेकिन उससे एक नुकसान हुआ कि मेरे बड़े रिश्ते आए, बड़े बड़े मैं नाम नहीं लूँगा, मुल्क की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज जिनको मैं जाती तौर पर जानता हूँ, मैं तो घर में नहीं था, तो उन्होंने फ़ोन करके अपना नाम बताया और कहा कि भाई उनसे कहना कि वो बहुत अच्छे लग रहे थी। तो रोजी अब एक फिल्म लगी, आपने देखी होगी, दिस इज डाउट फायर, वो अंडर प्रोडक्शन है, हम उसको कर रहे हैं, उसको काम कर रहे हैं। वो अगर मैं कर गया तो मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट होगा मेरे कहने में। बड़ा उसके लिए इंग्लैंड से मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया जा रहा है मुझे उस औरत के रूप में तब्दील करने के लिए, उसमें खासा काम हो गया। बात ही वजह बात रोजी की हुई थी, रोजी में बहुत सारे किरदार थे जो आए चले गए, उसमें एक हीरोइन थी मेरी जिनसे मैंने बड़ी कोशिश की कि वो मेरी बात को समझें, लेकिन जब तक रोजी बना रहा वो मेरी बात को समझ नहीं पाए। और जब रोजी के कॉल से बाहर निकला तो खफा हो गई। टेलीविजन की वो एक बड़ी आर्टिस्ट हैं, बेशुमार उन्होंने रोल्स किए, बहुत काम किया, बहुत पसंद किया गया। ये उन खुशनसीब आर्टिस्टों में से हैं जिनकी चंद परफॉर्मेंसेस की और बहुत कैलकुलेटेड और लोगों ने बहुत सराहा, कई अवार्ड्स उनको मिले हैं और अब उनका शुमार पाकिस्तान टेलीविजन की चंद बड़ी आर्टिस्ट और सफे अवल के कारण होता है। खातिर हजरात मैं अपनी हीरोइन को बुला रहा, आपकी तालियां फजीला फासी। कहते हैं कि मियां बीवी दोनों ही गाड़ी से दो पहिए हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़ा बैलेंस पहिया है। मेरी जिंदगी का तो अजीब मसला है कि मैं जो हूँ स्कूटर का पहिया हूँ और मेरी जो बेटर हाथ है वो ट्रैक्टर का पहिया है, तो गाड़ी कभी कभी जिस बैलेंस हो जाती है कोई बात नहीं। अच्छा फजीला शायरी का शौक है आपको? वो चांद बन के मेरे साथ साथ चलता रहा, वो चांद बन के मेरे साथ साथ चलता रहा, मैं उसके हिजर की रातों में कब अकेली हूँ। मैं यहाँ हूँ किसी और का मुझे ओढ़ता कोई और है, मैं यहाँ हूँ किसी और का मुझे ओढ़ता कोई और है, मेरी बाबरा तो शरीफ है तेरी बाबरा कोई और है। तेरी बाबरा तो शरीफ है तेरी बाबरा कोई और है, है अजब निजाम ज़कात का मेरे मुल्क में मेरे देश में, है अजब निजाम ज़कात का मेरे मुल्क में मेरे देश में, इसे काटता कोई और है, इसे काटता कोई और है। आगे किया है कि ये सियासियत का खेल है, ये मुनाफिकों ही की जेल है, ये सियासियत का खेल है, ये मुनाफिकों ही की जेल है, यहाँ भौंकता कोई और है, यहाँ काटता कोई और है। जैसे आपने जो शेर सुनाया था मैंने तो एक मजाक कर दिया, क्योंकि मेरा मेरी जो जॉब है एंटरटेनमेंट है। शेर आपने बहुत उमदा सुनाया था, एक शायर का एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मेरी आंखें नम हो गई थी, और वो शेर था, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तो जब आपको गजल से शौक है तो गाने से भी दिलचस्पी होगी आपको? नहीं, ऐसे से डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। ना डरने की जरूरत है। मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता। देखिए
हम लोग ये मैं सिर्फ ये कोशिश करता हूँ जिस शो में मैं कॉम्प्लेन करूँ कि हमारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी परफॉर्मेंस करें तो सिवाय इसके मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग ने मुझे बुलाया यहाँ पर इस वक्त शुक्रिया बहुत बहुत चले और अगर बुरा हो जाए तो बुरा काम हो जाए तो नहीं देखिए नहीं बात सुने ये सब घर के जैसे लोग हैं फैमिलीज बैठे भी हैं हम भी इसी खानदान के फर्द हैं इसीलिए देखते मजे मजे से बातें किए जा रहे हैं आप अल्लाह का नाम लेके सुना दीजिए मैं दावा तो नहीं करता लेकिन यकीन से कहता हूँ कि दाद जरूर देंगे इतने अच्छे जरूर